हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है आप सबका। तो ये ब्लॉग है शुक्रवार का और इस समय टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। वैसे तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी 5 बजे, तो 5 बजे के बाद मैंने बहुत सारे छोटे बड़े कामों को अपना निपटाया है। और यहाँ पर जो है बच्चों के पापा भी अपना नाश्ता करके ड्यूटी गए हैं, तो बस यहाँ पर फिर से चाय पीने के बाद आई हूँ किचन में। तो अब बनेगा जी खुशी के लिए नाश्ता। तो सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना देती हूँ, बस जैसे जैसे जिनको नाश्ता खाना होता है उनके लिए रोटी पराठे जो भी खाने होते हैं वो गर्मा गर्म बना के दे देती हूँ। तो बस खुशी का आज पेपर है तो वो जाएगी पेपर देने, तो जब तक जो है खुशी नाश्ता कर रही है तब तक जो है मैं उसका रूम समेट लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने ये सारे गद्दियाँ वगैरह कुशंस वगैरह सारे नीचे डाले हैं और ये जो चादर है इसको झाड़ दूँगी। तो अभी जो है ना यहाँ पर बच्चों के रूम में ना ये गर्म बेड शीट ही मैंने बिछाई हुई है, क्योंकि जो है अभी इधर ठंड है, ये वाला जो कमरा है ना ये थोड़ा सा ठंडा है। तो खुशी को तो वैसे भी जल्दी सर्दी खांसी एकदम पकड़ती है, तो मैंने कहा अभी तुम्हारा तो रहने ही दो, तो गर्म बेड शीट, तो एक ही बेड शीट है इसकी, तो मैं इसको धो के ही जो है इस्तेमाल करती हूँ। और अभी मैंने जो है रजाई का कवर भी नहीं हटाया है खुशी का, क्योंकि उसको थोड़ा ठंड लगती है और ये वाला रूम है भी ठंडा। तो बस यहाँ पे जो है बिस्तर अच्छे से सेट कर लिया है और ये इसको रजाई को भी मैं यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो बस जस्ट एक मिनट में ही कमरा सेट हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे खुशी ने नाश्ता कर लिया है, अब वो स्कूल जाएगी, स्कूल टाइम हो चुका है। तो मैंने उसका मुँह मीठा करवा दिया है थोड़ी सी सौंफ और चीनी से। और याद आता है अपने स्कूल टाइम के दिन, तो एग्ज़ाम टाइम पे मम्मी भी मुझे जो है दही चीनी खिला के स्कूल भेजा करती थी, तो अच्छा होता है और ये वो सब चीज़ें याद आती हैं। चलिए जी, यहाँ पर खुशी गई है और उसके बाद मैं लगूँगी अपने कामों पर। तो आ गई हूँ अंदर वैसे को उठाने, ये अभी सोया हुआ है, इसको उठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम से उठाऊँगी ना, जैसे कि अभी तो छुट्टी है आज, इसका पेपर नहीं है, तो छुट्टी वाले दिन भी मैं टाइम पे उठा देती हूँ, क्योंकि टाइम पे उठेंगे बच्चे तो फिर टाइम पे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि और जो नॉर्मल दिन होते हैं उनमें तो खैर हम बोलते हैं कि छुट्टी वाले दिन चलो बच्चों को कोई नहीं, सोने दो आराम से, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं टाइम से ही उठा लेती हूँ। तो बस 7:45 बजे के करीब लगभग मैंने उसको उठा के बाहर भेज दिया था, तो अपना फ्रेश व्रेश होगी, नहाना धोना करेगी, तब तक जो है आराम से उसको 9:30 तो हो ही जाएंगे नाश्ता करते करते, तो बस यहाँ पे उसके बाद अपना पढ़ाई पे बैठ जाएगी। तो वही है, बच्चे टाइम पे उठ जाएँ तो टाइम पर ही जो है अपना पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेड को जो है समेटना शुरू कर दिया है, तो इस वाली बेड शीट को मैं ऐसे ही अच्छे से झाड़ दूंगी और इसको सेट कर दूंगी। तो बेड शीट पे थोड़ी सी भी सलबटे पड़ी हो ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो बस मैं कोशिश रहती है मेरी कि बिल्कुल भी एक भी सलबट ना पड़े और बेड मतलब एकदम ऐसा लगे फ्रेश सा। तो बस यहाँ पर मैंने सारा बेड अच्छे से सेट कर दिया है और उसके बाद जो है ना आज जो है ये रजाई और कंबल, तो अभी हमारी रजाई बंद नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ठंड है, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने कहा था ना पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है, तो यहाँ पर ना ठंड बढ़ चुकी है, बीच में थोड़ी सी गर्मी होने लग गई थी, लेकिन जो है आजकल जो है बहुत ठंड है। और आज तो मौसम जो है रात भर जो है थोड़ा बारिश बूंदाबांदी भी हुई है और बदला हुआ मौसम है, तो बस आज थोड़ी सी और ठंड है। तो बस रजाई वगैरह मैंने अभी रखी नहीं है, तो जब अच्छी खासी थोड़े से मतलब लगेगा ना कि अब रजाई की जरूरत नहीं है तभी रखूंगी, वरना पता क्या होता है तबीयत खराब हो जाती है अचानक से अगर हम जल्दीबाजी कर देना। तो बस यहाँ पर इस रजाई को लेके गई हूँ छत पर, इसको डालूंगी धूप में और उसके बाद मैं कंबल भी डालूंगी धूप में, तो थोड़ा सा धूप दिखा दो ना तो जो स्मेल वगैरह होती है कुछ तो वो साफ़ हो जाती मतलब चली जाती है और एकदम मतलब एक ऐसा लगता है कि फ्रेश फ्रेश सा, तो अच्छा लगता है। फिर रात को जब ओढ़ो ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आती है, धूप वाली जो खुशबू होती है ना वो मुझे बड़ी। तो चलिए जी, छत से आने के बाद मैं लगूंगी अब कपड़ों के काम में, तो सबसे पहले इनका ही काम करूंगी, उसके बाद जो है घर के कामों पे लग जाना तो फिर ये काम रह जाता है और ये काम जो है बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़ों को छाड़ दूंगी, जो मशीन में लगने वाले हैं उनको मशीन पे लगाऊंगी और जो हाथ से धुलने वाले हैं उनको हाथ भिगो के रख दूंगी। तो यही होता है, मशीन मेरी रोज़ नहीं लगती है, मतलब 2-2, 3-3 दिन में एक बार ही लगाती हूँ मैं, मतलब कपड़ों के हिसाब से कितने कपड़े हो रहे हैं। तो अभी जो है मशीन में मैंने ऊलन के ही कपड़े लगा दिए हैं और बाकी जो डेली वाले कपड़े होते हैं ना फिर मैं उनको हाथ से ही भिगो लेती हूँ, क्योंकि ये इतने होते नहीं है कि इनके लिए फिर मैं अलग से मशीन लगाऊं। और जो है गंदे कपड़े ज़्यादा दिन तक रखूँ ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कि वेट करूँ कि कब जो है इनके साथ के लिए जो है कपड़े हों खूब सारे और फिर मैं मशीन में लगाऊं। तो मुझे इजी लगता है कि मैं इनको कुछ देर जो है भिगोने रख दूँ और फिर जो है हाथ से इनको फटाफट से निकाल लूँ।
और काम करने का मज़ा तब आता है जब जो है सभी चले जाते हैं अपने अपने कामों पे, जब हम उनकी ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं ना जाने वालों की, तो उसके बाद जो है काम करने का जो मज़ा आता है ना, बहुत ही मन लगता है घर के कामों को करने में। तो एक हाउसवाइफ जो होती है अपने घर के कामों को ऐसे करते हुए चलती है ना, जिसमें हर सदस्य की इच्छाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखती है। तो मेरे कामों का जो रूटीन होता है ना, उसमें मैं सबसे ऊपर रखती हूँ अपनी फैमिली को, उनका मतलब किसी को जैसे इधर उधर जाना होता है, जैसे बच्चे स्कूल वाले हैं, हस्बैंड ड्यूटी वाले हैं, तो पहले जो है मैं उनका ही काम करती हूँ, उनको जो है की जगह पे भेज देती हूँ, क्योंकि उनको उनके काम पे भेजना, टाइम पे भेजना और अच्छा खासा उनका ब्रेकफास्ट करवा के भेजना, ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है। तो जिसको मैं सबसे पहले करती हूँ, और उसके बाद जो है उनके जाने के बाद तो खैर हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो अपने घर के कामों को करते रहो। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने घर के कामों पर कवर करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर ना ये डाइनिंग एरिया भी मैंने साफ कर लिया है, जिसकी जो चेयरें हैं और पूरा डाइनिंग टेबल जो है ऊपर ऊपर से मैं डेली साफ करती हूँ, लेकिन जो है नीचे से और इसकी जो चेयर है ना, उनको मैं लगभग 10-15 दिन में एक बार ही करती हूँ। तो बस आज जो है मैंने इनको साफ कर लिया है। तो लगे हाथों जो ये जो दो दरवाजे हैं ना कमरों के, इनको भी मैंने साफ कर लिया है। तो अभी जो है मैंने दो ही दरवाजे किए हैं, और जो बाकी और दरवाजे हैं घर में या खिड़की वगैरह हैं, तो मैं अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से जो है करती रहती हूँ चीज़ों को मैनेज। मतलब मेरा, मैं सोचती नहीं हूँ कि आज मुझे ये करना है या कल रात को ही सोच के रख दूँ कि कल मुझे ये करना है, नहीं। मेरे पास जो भी मुझे जिन पे भी नज़र लगती है या मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे साफ़ करना है, और वैसे भी जो है हम लेडीज़ों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ हम गंदा नहीं देख सकते हैं, तो जो भी चीज़ हमें गंदी नज़र आती है उसको देखते ही हम जब तक साफ ना कर ले तब तक जो है मन को चैन भी नहीं आता है। तो चलिए जी, यहाँ पे डाइनिंग एरिया और ये दरवाजे, दो दरवाजे मेरे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, और उसके बाद जो है मैंने लगा ली है पूरे घर में पोछा। तो अब जो है पोछा लगेगी पूरे घर में, और एक एक कमरे में पोछा लगाती हूँ, और उसकी जो लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, पर्दे लगा देती हूँ, तो इस तरीके से ना रूम भी साथ ही साथ जो है सेट होते चले जाते हैं। तो बस ये जो इसकी जो चीरें मैंने इधर उधर करी हैं, तो इसके नीचे भी जाके मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, और अब जो है बिल्कुल एंड पे हूँ पोछे के, तो इसको लगाते हुए मैं सीधा चली जाऊँगी बाहर। तो बाहर में जो है सीढ़ियाँ जो है ना, जीना मैं कभी कभी साफ करती हूँ, कभी कभी लगा लीजिए आप, हफ्ते में जो है दो बारी मेरा पोछा लगता है। बाकी जो ये बाहर का एरिया है दरवाजे के सामने, तो यहाँ पे तो खैर मैं डेली लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बाहर से चप्पलें आती हैं, वैसे तो खैर चप्पलें सीधा अंदर नहीं आती लेकिन यहीं पे तक आती है, पर फिर भी गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लग जाती है और डेली का पोछा भी लग जाता है, तो साफ़ सुथरा लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पे पूरा घर हो चुका है साफ़ सुथरा क्लीन, और इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो वही होता है जब एक बारी काम पे लग जाओ ना, तो फिर तो मतलब इतनी एनर्जी आती है और इतनी स्पीड पकड़ते हैं ना हम, तो रुकते तभी हैं जब जो है काम कंप्लीट हो जाए, और बिना सोची समझी मेरी सेटिंग जो चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है मैंने जो भी रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के ऊपर, उसको हटा के और अंदर से जो रैक के ऊपर रखा हुआ था ये फ्लावर पॉट, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो वही होता है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से साफ़ करते हैं ना, तो मन करता है थोड़ा सा इसको चेंज कर ले। और एक लेडीज़ की आदत अपने घर को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश रहती है, और इसी से जो है ना घर घर जैसा लगता है, और उसमें मन भी लगा रहता है सबका। तो चलिए जी, इस तरीके से आज मैंने थोड़ा सा ये लुक चेंज कर लिया है अपना डाइनिंग एरिया का। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ये दरवाजे भी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, वही दिखा रही हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा डस्टिंग करने से ना कितना अच्छा, मतलब साफ़ सुथरा सा लग रहा है सारी जगह। तो बस उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, और उसके बाद बनाऊँगी अब नाश्ता। तो नाश्ता करने के लिए जो है वैसु और मैं हैं, तो वैसु का ऐसा है कि वो साथ में ही नाश्ता करेगी, चाहे मैं जब भी मतलब जितना भी टाइम लग जाए मुझे। तो मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हें रोटी बना के दे देती हूँ नहाने जाने से पहले, तो उसने कहा नहीं मैं आपके साथ ही नाश्ता करूँगी। तो बस जो है दोनों का मैंने यहाँ पे नाश्ता बना दिया है, रोटियाँ बना दी हैं, मतलब सब्जी तो बनी रहती है, और यहाँ पे जो है जो धुलने वाले बर्तन होंगे मैं उनको धुलने के लिए डालूंगी। और हाँ, एक रात की रोटी मेरे पास बची हुई थी। वैसे मेरे घर में ना तो रोटी ना सब्जी और ना ही दिन का खाना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। जो जितना हमें खाना मतलब जितना हमारा लगता है ना उतना ही मैं बनाती हूँ। तो लेकिन ये रात को एक रोटी बच गई थी, तो इसको भी मैंने कहा वेस्ट क्यों जाने देना है। गाय के लिए तो खैर मैं सुबह शाम एक रोटी पहले निकाल ही देती हूँ। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है दोनों तरफ, और इसको मैं अच्छे से सेक के पकाऊंगी। क्रंची क्रंची सी तो किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो मन करता है कि मैं रात को एक्स्ट्रा रोटी बना के रख दूं और सुबह तो जो है घी लगा के इस तरीके से खाऊं, तो बड़ा मज़ा आता है सब्जी के साथ, या इसमें ही थोड़ा सा नमक डाल दो ना तो चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, करारी करारी सी घी लगी हुई। तो बस यहाँ पे अब करूँगी मैं नाश्ता। जो बर्तन धोने वाले थे वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, और जो चकला बेलन परात है उसको मैंने अलग ही रखती हूँ, उनको जूठे बर्तनों में मिक्स नहीं करती हूँ, तो उसको भी मैंने पानी डाल के भिगोने छोड़ दिया है। अब मैं आराम से करूँगी नाश्ता, उसके बाद जो है अपने किचन में जाऊँगी और किचन के जितने बाकी काम छूटे हैं उनको करूँगी।
तो चलिए जी यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं नाश्ता करने के बाद। तो अब किचन में फटाफट से धुलेंगे बर्तन, और इससे पहले मैं जो है अपनी किचन को साफ कर चुकी हूँ। तो बस यही होता है काम हमारे जो डेली के होते हैं, अपने घर को साफ करना, सजाना, संवारना, एक एक चीज़ पे ध्यान देना, है ना। तो इन्हीं सब आदतों से ना घर में एक पॉजिटिव वाइब तो बनी ही रहती है, लेकिन साथ में जो है घर वालों का सबका मन भी अच्छा रहता है, सब अच्छा अच्छा फील करते हैं। तो सिर्फ एक जो लेडीज़ की मेहनत होती है, कोशिश होती है अपने घर में बेहतर से बेहतर करने की, वो जो है अब उनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग देती है और उनका अपने घर में जो है मन लगता है। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बर्तन कम ही थे, तो कुछ कुछ बर्तन जैसे होते रहते हैं ना, तो मैं करती जाती हूँ। तो जैसे कि वीडियो ऑन करने से पहले ही मैं बहुत सारे बर्तन धो चुकी थी, तो अभी जो है ये मेन बर्तन ही थे जो हमारे नाश्ते के और ये परात वगैरह इस तरीके से बचे हुए थे, बस यही धोए हैं मैंने अभी। और बस इसके बाद जो है मैं अपनी उधर से गैस को पहले से ही साफ कर चुकी हूँ, और अब जो है ये सिंक वाला एरिया साफ करूँगी। तो मैंने ये डिश स्टैंड और जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ इसको थोड़ा सा उधर को खिसका दिया है, ताकि मैं यहाँ पर साबुन लगा के अच्छे से साफ कर सकूँ। तो यहाँ पे जो पुराना यूज़ किया हुआ ब्रश होता है ना, वो मैं हमेशा रखती हूँ, जिससे जो है ना ये सिंक के किनारे किनारे पे जो एरिया होता है इसको अच्छे से साफ ये कर देता है। और यहाँ पे ना मैल फिर जम नहीं पाती है, मतलब जैसे काला काला हो जाता है ना सिंक के किनारे किनारे, वो नहीं होने पाता है। तो जैसे कि 10-10, 15-15 दिन में जब भी आपको टाइम लगे, आपको मतलब ये मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये वाला एरिया भी मैंने साफ कर दिया है, सिंक पे अच्छे से साफ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा है जो कि अच्छा भी लगता है, और मेरा मन करता है, मतलब ये है कि हर एरिया मतलब सुंदर थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो बस उसके बाद मैंने किचन का काम कंप्लीट किया है, सिंक को अच्छे से साफ किया है, और उसके बाद आ गई हूँ बाथरूम में। तो जो मेरे भिगोए हुए कपड़े थे वो मैंने अभी धोए नहीं है, तो बस अब मैं इनको धोऊंगी। तो जब भिगोने रख दो ना तो फिर इजी हो जाता है इनको धोना। तो बस जो मशीन के कपड़े थे वो मैं कुछ देर पहले ही छत पर डाल के आ गई थी, तो अभी जो है अच्छे खासे वो सूख गए होंगे, तो बस इनको डाल के आऊँगी और उनको लेके आऊँगी, और इस तरीके से ये काम हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। तो सुबह के काम तो कंप्लीट हो गए हैं, अब जो है लंच का काम चलेगा कुछ देर बाद। तो थोड़ी देर जो है, जो सुबह उठ के ना जल्दी उठ के जैसे 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो 5 बजे से अपने कामों पे लग जाती हूँ। उसके बाद जो है जल्दी काम भी हो जाते हैं, और जो टाइम अपने लिए बचता है उसमें हम अपने पसंद का काम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद जो है लंच बनाने की दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। तो आपके जो कमेंट होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आपके कमेंट आते हैं कि बहुत से कमेंट आते हैं कि आपकी जो वीडियोस होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आप जो है अपने घर के कामों को करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि आपके जो कमेंट होते हैं ना उनसे जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो रिश्ता है ना हमारा आपस में, ये बहुत ही प्योर है, और ये हमेशा इस तरीके से बना रहे यही हम दुआ करेंगे। तो चलिए जी, छत पे हमने थोड़ी सी धनिया और पुदीना लगाई हुई है, तो वहाँ से मैं फ्रेश धनिया तोड़ के ले आई हूँ लंच के लिए। तो लंच भी हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, और ये है डिनर का टाइम। तो डिनर का टाइम मिल रही हूँ मैं सीधा, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज दाल तड़का। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है, इसको बॉयल करने के लिए पहले मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया था, और थोड़ा सा खुले में बॉयल किया है ताकि उसका जो झाग सा होता है ना उसको निकाल दिया है, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। उससे जो है यूरिक एसिड बढ़ता है और साथ में जो है बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करता है। तो बस उसको निकाल के उसके बाद जो है मैंने उसमें टमाटर और एक हरी मिर्ची और 2-3 लौंग डाल के और उसमें जो है 2 बिसल लगाऊंगी, और अरहर की दाल तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और ये बैंगन डाले हैं, साथ में नमक डाला है। बस इसको 3-4 मिनट थोड़ा सा गलाऊंगी, जैसे बैंगन तो एकदम गल जाते हैं ना, तो 3-4 मिनट इसको पकाऊंगी जब तक ये गलेंगे नहीं तब तक। तो चलिए जी, यहाँ पे 3-4 मिनट बाद चेक किया है तो ये अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसको गैस को कर दूंगी बंद, और ये जो बैंगन है मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे बाउल में। अब फिर से चढ़ा दिया है वही पैन, इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी डाला है, उसके बाद जीरा डाला है, खूब सारी जो है लहसुन चॉप करके मैंने इसमें डाल दी है, उसके बाद इसमें प्याज डाली है। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। तो जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के स्टेज में आ रही थी तभी मैंने जो इसमें कटी हुई अदरक डाल दी, और उसके बाद जो है इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है,
और यहाँ पे ऐड कर दी है टमाटर। तो ये दाल के लिए तड़का बन रहा है, तो दाल में नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो मैं इसको चेक करके आपको अगर नमक की और ज़्यादा आवश्यकता लग रही है तो आप इस समय भी मसाले में डाल सकते हैं नमक, और मैंने इसको चेक किया है तो नमक की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और इसी तरीके की जो अरहर की दाल होती है ना, वो मुझे ऐसे ही पसंद है, क्योंकि ये खड़ी खड़ी भी और एकदम इसका जो कलर होता है ना येल्लो येल्लो सा, वो बना रहता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है दाल हो चुकी है हमारी तैयार, और उसके बाद जो है मैंने एक छोटा सा तड़कदान लिया है, उसमें मैंने जो है एक सूखी लाल मिर्च, थोड़े से कड़ी के पत्ते और 1.5 चम्मच के करीब जो होते हैं ना राई के दाने वो रोस्ट कर लिए हैं। अब जो है जो हमने बैंगन को थोड़ा सा गला के रखा था, उसको मैं हल्के से फोक की हेल्प से मैश कर दूंगी। इसमें मैं कटी हुई प्याज डालूंगी, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड करी है, और जो मसाला अभी बनाया था ना हमने कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची वाला, उसको मैंने कूट लिया है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे इमली का पानी 4 चम्मच के करीब इमली का पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो नींबू भी इसमें डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। और इस तरीके से ना ये बहुत ही बढ़िया झटपट सी दाल के साथ खाने के लिए, चाट कह लीजिए आप या बैंगन का भरता कुछ भी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता। तो दाल भी देख सकते हैं आप कि दाल का कलर बिल्कुल येलो है, तो ऐसे ही कलर मुझे चाहिए होता है, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही परफेक्ट है, मतलब ऐसी रोटी के साथ गाढ़ी गाढ़ी सी दाल खाने में अच्छी लगती है। तो ये है आज की हमारी डिनर थाली, कैसी लगी आपको, और आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए।